और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट है। What's up guys, this is Varian Manals और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई डुकाटी पे मिरर लगा लो, तो आज मिरर्स आ गए हैं हमारे। अभी डुकाटी पे मिरर इंस्टॉल करेंगे, आपको सिखाएंगे। कितना इजी प्लग एंड प्ले है मिरर इंस्टॉल करना। देखो भाई, अभी तक मौसम ठीक था, अब एकदम से गर्मी से धूप निकल आई है। तो ये रही अपनी डुकाटी वी फोर एस पैनिक गैला। इसकी शार्पनेस देख रहे हो, क्या सेक्सी लग रही है। तो ये लुक और एनहांस हो जाएगी, पेंट और अच्छा दिखेगा, पेंट प्रोटेक्टेड रहेगा। तो भाई ये है, और मस्त मस्त व्लॉग आने वाले हैं इस पर भाई बहुत जल्दी, और इसकी एक सरप्राइज और आने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं मिरर, आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैंने मिरर अनइंस्टॉल किए थे, ये ऊपर का फ्लैप है नीचे, और इसके अंदर ये जो प्लग इन प्ले, अगर आप देख पा रहे हो, ये इसमें कनेक्ट होगा डायरेक्टली मिरर वाला इंडिकेटर की जो लाइट है, इंटीग्रेटेड है मिरर के अंदर ही लाइट है। तो वहाँ से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो गया। और नीचे से इसके ये वाला नट है, ये बैक। स्टेप वन में ये रबर की पट्टी यहाँ लगाएं, दोनों साइड पट्टी लगा दी। ट्रोल भाई, ये टूटी हुई उंगली के साथ एक साइड का लगाने में ही भूत बन गया है। पर जैसे तैसे करके एक मिरर लग गया। अब जो नट था वो मैंने खराब कर दिया है, उसके ऊपर का थ्रेड आउट हो गया। तो अभी देखते हैं एक इसमें चलाते हैं, नहीं गाइस करते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं। सो फाइनली गाइस, टूटी उंगली के साथ दोनों मिरर्स जुड़ गए हैं, और मिरर्स के साथ कुछ ऐसी लग रही है देखो। फाइनली गाइस, इस पे मिरर्स इंस्टॉल हो गए हैं। थोड़ा टाइम लगा बिकॉज उंगली में इसका हजार्ड ऑन है, और इस पे हम इंस्टा 360 भी माउंट कर सकते हैं, बट अगर हमारे कोई पैसे वापस दे तब। बहुत तेज हो रहा है। तो आगे दोनों हजार चल रहे हैं, और पीछे एनआरसी के टेल फेंडर में भी दोनों की दोनों लाइटें चल रही है। तो भाई ऐसी एपिक सी लग रही है। और अगला जो इसमें टास्क करना है वो करना है इसका प्रीलोड वगैरह चेक करना है, जिसके लिए सस्पेंशन में एक वायर बांधी जाती है, उससे प्रीलोड चेक होता है। एंड प्रीलोड चेक करने के बाद सस्पेंशन सेटिंग चेंज करेंगे, और आपको बताएंगे कि बाइक ज़्यादा कैसे टिप कर सकती है हर साइड पर। तो गाइस कुछ ऐसी लग रही है। एंड जैसे आप सबको पता ही है, भाई चला रहा माइल्स पे। गाइस दिस इज वेरिएंट मैनल फॉर। आज हम व्लॉग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बस राइड पे निकले हैं। और देखो आगे से दोनों मिरर लग गए हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिएक्शन आ रहे हैं, बट हम कुछ नोट नहीं कर रहे बिकॉज आज मूड सा नहीं हो रहा व्लॉगिंग करने का। बहुत टाइम बाद इसको निकाला है, थोड़ा हाथ में भी लगी हुई है, इसलिए व्लॉगिंग अवॉइड कर रहे हैं। तो आगे आगे देखो भाई, खतरनाक व्लॉग आने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग आने वाले हैं, और तबाही मचने वाली पूरी की पूरी। तो आगे से इसको देखो भाई कैसी तबाही लग रही है।